लेकिन अंत में आएंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। पहले जगह देखो हम आए तो बाबा अपने आप मिलता था, आराम से मिलता था, आए कि घंटा बात करो। अभी आप और हमारे में कितना दूर है, आप उधर बैठे हो, हम इधर बैठे हैं, बात भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो समय है, आगे जाके और भीड़ होंगी तो आपको बात भी करना, आपके बात भी नहीं पहुँचेंगी। अभी थोड़ा समय है तो किसी की बात सुन सकते हो, किसी के आपके बात सुन के आपको निवारण मिल सकता, आगे जाके ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए समय को पहचान, किस समय क्या करना चाहिए। और भाई साहब, श्री कृष्ण का जन्म जब होगा तब से सतयुग शुरू होगा कि जब श्री कृष्ण का राज्याभिषेक होगा तब से सतयुग शुरू होगा? जन्म से नहीं, श्री कृष्ण का जन्म देखो कहाँ हुआ, जेल में है ना, जेल में दिखाते ना, बंधन में। तो कलयुग में श्री कृष्ण का जन्म होता, अब जब वो स्वयंवर में बैठा तब नया दुनिया शुरू, 111 सत्युग के स्वयंवर के बाद, तब तो जन्म कलयुग में होता, कलयुग के अंत में। इसलिए गुप्त होता है, जन्म देने वाले अलग, जन्म ते पालना करने वाले अलग, दूसरी जगह लेके गए। तो जब स्वयंवर होता है तब उसका शुरू होता है, वहां से सत्युग स्टार्ट हो गया, राजा ही स्टूड राज गद्दी पर बैठ गया। तब तक गद्दी पर नहीं बैठा, तब तक नहीं। और बताओ,